हाय फ्रेंड्स, दीपिका की रसोई में आपका स्वागत है। अगर आप चीज खाने के बहुत ही ज्यादा शौकीन हैं, तो हमारी इस रेसिपी को बनाकर ट्राई कीजिए, जिसका नाम है चीज बर्स्ट। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। चीज बर्स्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे और इस बाउल में हम थोड़ी सी पत्ता गोभी डाल देंगे और थोड़ा सा शिमला मिर्च और थोड़ा सा प्याज, गाजर, थोड़ा सा टमाटर। आप चाहे तो सब्जी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, मिर्च को भी आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा मेयोनीज ऐड कर देंगे। हम उतनी मेयोनीज डालेंगे जितने में हमारी सब्जी अच्छे से मिक्स हो जाए और सारी एक साथ बाइंडिंग हो जाए। ये देखिए, हमारी सभी सब्जियां आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। हमने एक सब ऑलिव ब्रेड ली है। जिनको सब ऑलिव ब्रेड ना मिले वो इस तरह की नॉर्मल ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। हम दोनों तरह से बनाएंगे। अब हम चीज स्प्रेड लेंगे और इसमें से चीज को निकाल के और अपने इस ब्रेड में लगा लेंगे। हम इसी तरह से सारी ब्रेड को तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हम इसी तरह से सारी ब्रेड तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने ब्रेड को तैयार कर लिया है और जो हमने सब्जियों को मेयोनीज में मिक्स करके रखी थी, अब हम उसमें मिक्स हर्ब्स डाल देंगे। आप अपने हिसाब से इसे भी कम या ज्यादा कर सकते हैं और स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच चीज स्प्रेड को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम ब्रेड के जो नीचे वाली साइड होगी उसे ले लेंगे और इसमें हमने जो ये मिक्सचर तैयार किया था इसे अच्छे से हम फैला के लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे लगा लेंगे और इसी तरह से हम इस ब्रेड को भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने ये दोनों ब्रेड पे अच्छे से अपने मिक्सचर को लगा दिया है। अब हम इसमें पेपर चीज लेंगे और इसे अच्छे से इस पे हम सेट कर देंगे। इसी तरह से हम इस पे भी लगा देंगे। और चीज लगाने के बाद इस पे हल्का सा हम ऑर्गेनो स्प्रिंकल कर देंगे। और अपनी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम इस ब्रेड के ऊपर इस तरह से रख देंगे। हमने इस तरह से इसे तैयार कर लिया है और इसके ऊपर भी हम इस ब्रेड के ऊपर हम इसी तरह से और पेपर चीज लगा देंगे। इस तरह से दूसरी भी लगा देंगे और इस पे भी हम मिक्स हर्ब्स डाल देंगे। इसी तरह से हमने ये जो ब्रेड ली थी इसे भी हम तैयार कर लेंगे और इसके ऊपर भी हम इस तरह से चीज को रख कर इस पे भी हम मिक्स हर्ब्स डाल देंगे। अब हमने ब्रेड को तैयार कर ली है, अब हम इसे सेकेंगे। अब हमने एक पैन लिया है और इसमें हम अपनी ब्रेड को सेक लेंगे। सबसे पहले हम पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे। बटर को हम अच्छे से फैला देंगे पैन में और ये जो हमने ब्रेड तैयार की थी इसे हम इसमें रख देंगे और थोड़ा थोड़ा सा बटर चारों तरफ से हम इसमें डाल देंगे और इसे हम कवर करके लो फ्लेम पर इसे ढककर 20 से 25 सेकेंड के लिए चीज को मेल्ट होने देंगे। ये देखिए, हमारी चीज मेल्ट हो गई है
अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम ये दूसरी भी ब्रेड तैयार कर लेंगे। पहले हम बटर डालेंगे और इसी बटर पे हम ब्रेड को रख देंगे और धीमी आंच में फिर से इसे इसी तरह से हम चीज़ मेल्ट होने तक इसे ढक देंगे। ये देखिए हमारा दूसरा सैंडविच भी रेडी हो गया है और हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए तैयार है हमारा चीज़ बस सैंडविच।